खाना फ्री है क्या? रहना खाना फ्री है? कितने दिन का? हम तो 9 दिन के अनुष्ठान के लिए आए। अच्छा, अनुष्ठान के लिए आए, इसका रहना खाना पूरा फ्री, 9 दिन का पूरा? हाँ, 9 दिन। कितने लोग हैं आप लोग ऐसे? 9 लोग आए। अच्छा, 9 लोग हैं। गाड़ी से अपने अपने व्हीकल से कि ट्रेन से आए? ट्रेन से आए। 9 दिन का अनुष्ठान है तो 9 दिन पूरा फ्री है और भजन कीर्तन भी होता है यहाँ पे? होता है, क्लास हमारा चालू होता है। अच्छा, क्लास तो यहाँ आप यहाँ पे मेंबर होंगे आई थिंक। मेंबर बनने के लिए क्या करना होता है? ऐसे नहीं करना, साधना करनी पड़ती है। साधना, शिविर भी लगता होगा? मंत्र दीक्षा लेवानी, शिविर करवानी, साधना करवानी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे प्रशिक्षण भी दिया जाता है, देख रहे हैं बच्चे के लिए, स्कूल बस है यहाँ पे। जैसे कि आप ये बर्तन है यहाँ का, सुबह 8:30 से 1 बजे और शाम को 4:30 से 8:30 बजे तक भोजन आपको यहाँ पे। हाय दोस्तों, हरे गंगे नमामि गंगे। तो हम आ चुके हैं शांति कुंज में और शांति कुंज हरिद्वार का सबसे ज्यादा फेमस आश्रम है। यहाँ पे रहना खाना निशुल्क है और साथ में आजीवन भी आप रह सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि इस आश्रम तक आप कैसे पहुँचे, यहाँ की क्या क्या प्रोसेस है और यहाँ पे और क्या क्या गतिविधि किए जाते हैं। खास तौर पर जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो संस्कार किए जाते हैं वो भी निःशुल्क होते हैं, और वो भी संस्कार हम आपको बताएंगे कि वो संस्कार आप कैसे करेंगे, फॉर्म कहाँ पे मिलता है, और हर की पैड़ी जो कि प्रमुख गंगा घाट है हरिद्वार का, वहाँ से ये वाली आश्रम कितनी दूर है। तो चलते हैं वीडियो पे, आप बने रहें, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। और आप सबसे निवेदन है, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो सही लगे तो। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप शांति कुंज कैसे पहुंचेंगे। जहां से भी आ रहे हैं आप, हरिद्वार के रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन आपको आना होगा। हरिद्वार के रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन आपस में लगे हुए हैं, तो रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से आप जाएंगे शांति कुंज तो आपको टैक्सी, ई रिक्शे या टेम्पो से आपको जाना होगा। अगर आप टेम्पो से जाएंगे तो आपको 30 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार्ज देना होगा। वही आप अगर हर की पैड़ी जो कि प्रमुख गंगा घाट है वहाँ से शांति कुंज के लिए जाना चाहेंगे तो दूरी की बात करें तो 6 किलोमीटर की दूरी है और आपको देना होगा 20 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से। जैसे ही आप इस ब्रिज के पास आएंगे तो आपको लगेगा कि हम किधर से जाएं, भूपत वाला ब्रिज है इस ब्रिज का नाम। आप चाहे तो नीचे से भी जा सकते हैं, आप चाहे तो ऊपर से भी जा सकते हैं, क्योंकि इस ब्रिज के एंडिंग पे ही आपको गेट नंबर 5 मिलेगा जहाँ से आपकी एंट्री होगी। ये हम आ चुके हैं गेट नंबर 5 के पास, यहीं पे ही आपको रिक्शे या फिर विक्रम टेम्पो वाले ड्रॉप करेंगे। अगर आप परमानेंट मेंबर हैं शांति कुंज के तो शांति कुंज के पास काफ़ी सारे गाड़ियां भी है जो कि आपको पिकअप और ड्रॉप का सेवा भी देते हैं, वो भी निशुल्क। ये है यहाँ की सिक्योरिटी जांच केंद्र। सिक्योरिटी जांच कराने के बाद पार्किंग मिलेगा, आपके पास 4-व्हीलर है तो यहाँ पे रख सकते हैं। अगर आप घूमने आ रहे हैं तो आपको पर्ची वहीं बनानी होगी, पर्ची एक आपको देंगे और आप पूरा आपकी एंट्री होगी यहाँ से गेट नंबर 5 से, यहीं से चेकिंग होगी और यहीं से आपको पास मिलेगा। अगर घूमने भी आ रहे हैं या फिर रहने भी आ रहे हैं तो आपकी एंट्री यहीं से ही मिलेगी। तो चलते हैं आगे का दृश्य दिखाते हैं। जी है यहाँ की रिसेप्शन, जहाँ पे रूम की सुविधा आपको मिलेगी। अगर रूम रहेगा तो आपको मिलेगा, पहले से कोई बुकिंग यहाँ पे नहीं किया जाता, जो भी है यहाँ पे ऑफलाइन ही किया जाता है। अंदर आपका फोटो खींचा जाएगा, आपका आधार कार्ड लगेगा और एक फॉर्म मिलेगा जिसे आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पे देख रहे हैं भंडारा, आगे समाधि स्थल, गायत्री मंदिर, संस्कार प्रकोष्ठ और जलपान गृह अस्पताल भी यहाँ पे, और दुर्गा भवन, ये सारे भवन भी है जो कि इधर मिलेंगे रहने का भी है। और उधर और भी है, देख रहे हैं श्रृंगार भवन, ये सारे भवन है जो कि इधर है। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, फ्री रहना खाना इधर है और काफ़ी सारे और भी है। तो चलते हैं सारे का एक करके आपको दृश्य दिखाते हैं। गद्दा स्टोर देख रहे हैं, गद्दा स्टोर इधर है, यहाँ पे इनकी पर्सनल गाड़ियाँ भी होती हैं, पर्सनल एम्बुलेंस भी है इनकी। यहाँ पे पेड है और सेल्फ सर्विस है, काफ़ी अच्छे जेन्युइन रेट में अच्छे स्वाद में खाना मिलेंगे। हमने यहाँ पे एक गुलाब जामुन लिया है, इसका प्राइस है मात्र 14 रुपीस। इनका पेड काउंटर है, देख रहे हैं यहाँ पे पेड काउंटर में काफ़ी भीड़ हो रखा है। उधर मिठाई वगैरह ले सकते हैं, अभी हम चलेंगे उधर, मिठाई काफ़ी फेमस है यहाँ का मिठाई।
ये सारे पेड सर्विस ले रहे हैं, काफ़ी जेन्युइन रेट में मिलते हैं यहाँ पे। अगर हम रेट कहें तो ये गुलाब जामुन, सामन बड़ा, इडली, सारे का रेट है यहाँ पे। ये गद्दा स्टोर है, यहाँ से आप रजाई गद्दा लेंगे। और फिर प्राइस की बात कहें तो 8 रुपये प्रति गद्दा है यहाँ पे। ₹5। ये जो 16 संस्कार है यहाँ पे किया जाता है, जन्म से लेके मृत्यु तक के पूरे संस्कार यहाँ पे किए जाते हैं। और जो संस्कार कराने यहाँ पे आएंगे उन्हें और भी ज्यादा दिन रुक सकते हैं। देख रहे हैं ये जनेऊ है, दान कर रहे हैं। देख रहे हैं काफी सारी है, सारे आवास के लिए। अभी हम चलेंगे इधर, यहाँ पे समाधि स्थान है और अभी हम दर्शन करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे काफी सारे हमारे दैनिक जीवन में यूज करने वाले चीजें आपको दिखाई देगा। दालचीनी, जिसे हम आयुर्वेदिक कहते हैं, आयुर्वेद के रूप में ग्रहण करते हैं, मसालों पे अधिकतर होता है। ये आप देख रहे हैं वृक्ष, और काफी सारे यहाँ पे है, आर का बड़ी पिपली, आज तक ऐसे काफी सारे यहाँ पे ऐसे बने हुए हैं जो आज तक हमने भी नहीं सुने नाम, ऐसा है यहाँ पे। देखेंगे यहाँ पे तेज पत्ता आपने देख लिया, जो हमने सब्जी में डालना होता है तेज पत्ता, इसके वृक्ष इस तरह से होता है। देख रहे हैं ये तेज पत्ता के वृक्ष काफी सारे, गुलमोहर है, आम है, आसन है, घृत कुमारी तो सर हर एक घर में होता है, जिसे एलोवेरा के नाम से भी जाना जाता है, एलोवेरा भी कहते हैं इंग्लिश नाम। देख रहे हैं करंज, इसमें से काफी सारे वृक्ष है जिन्हें आप जानते हैं, काफी सारे पौधे जिसे आप नहीं जान पाते, और हल्गिन हमारे आसपास होते हैं, इधर भी काफी सारे लगे हुए हैं। और ये जो है ये तो खैर आप जानते ही होंगे, ये वाले जो वृक्ष है ये है, अभी हम आपको दिखाते हैं रुद्राक्ष। देख रहे हैं रुद्राक्ष का वृक्ष है ये, अभी फल लगा हुआ है, वहां पे फल लगा हुआ है, शायद आपको ना दिखाई दे, वो गिरा तो हुआ नहीं है, अभी एक भी नहीं गिरा है, फल लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं जगह जगह काट काट के जोड़ा गया ताकि एक नया वृक्ष बना पाए। देख रहे हैं फल आपको साथ दिखाई दे कैमरे में, नहीं बहुत छोटा है फल, और ऊपर भी है जिसकी वजह से नहीं दिखाई दे रहा, फल लगा हुआ है। और बेलपत्र देख रहे हैं, बेलपत्र वहाँ पे, सर्पगंधा देख रहे हैं, बहुत एक से बढ़कर एक है। अंजवाइन, जिसे हम आप सब सब्जी में जरूर यूज करते होंगे, ऐसा यहाँ पे हर एक आयुर्वेद का आपको दृश्य देखने को मिलेगा और रूबारू हो जाएंगे आप, काफी अद्भुत है ये दृश्य। जब भी हम आते हैं यहाँ पे तो एक बार हम आपको जरूर दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरह का आयुर्वेद से आपको जोड़ा जाएगा, काफी सही है ये। देख रहे हैं लाल कनेर इधर पूरा है, यहाँ पे बाल संस्कार शाला है, तो आप संपर्क कर सकते हैं, नंबर यहाँ पे है। संगीत विभाग है, संगीत यहाँ पे सिखाया जाता है, यहाँ पे प्रशिक्षण भी दिया जाता है। देख रहे हैं बच्चे के लिए स्कूल बस है यहाँ पे, जैसे कि हमने आपको बताया पहले ही। ये भोजनालय है यहाँ का, देख रहे हैं ये भोजनालय है, समय का जरूर ध्यान रखें, समय के अनुसार यहाँ पे भोजन मिलेगा। बर्तन, ये बर्तन है यहाँ का, सुबह 8:30 से 1 बजे और शाम को 4:30 से 8:30 बजे तक भोजन आपको यहाँ पे मिलेगा, काफी अच्छा भोजन होता है, सात्विक भोजन होता है। हम काफी लेट हो चुके हैं, 1 बजे तक ही भोजन मिलता है यहाँ पे। यहाँ हर महीने शिविर चलता है, शिविर में काफी दूर दूर से लोग आते हैं। अखंड ज्योति दीप दर्शन जाने का मार्ग, इधर से आप अखंड ज्योति दीप के दर्शन करने जा सकते हैं, यहाँ पे जूता चप्पल रख के। देख रहे हैं
यहाँ पे 2 दिन रहना खाना पूरी तरह से फ्री होता है। इसके बाद अगर आप और भी रुकना चाहते हैं, जैसे कि आजीवन या फिर कोई संस्कार करना चाहते हैं, तो इसका डिटेल अभी हम आपको बताएंगे। अगर आप आजीवन रुकना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हर महीना शिविर होता है, उस शिविर में आपको सम्मिलित होना होता है। वो शिविर 9 दिन का होता है, 9 दिन में जो भी यहाँ की एक्टिविटी होती है उसमें आपको सम्मिलित होना होगा और जो जो रूल नियम बताएंगे उसे आपको फॉलो करना होगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आजीवन रहते हैं और सेवा करते हैं। जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो अखंड दीप के दर्शन करना ना भूलें। टाइमिंग का जरूर ध्यान रखें, सुबह के 5:30 बजे से 9 बजे, दोपहर के 12 बजे से 4:30 बजे तक ही आपको दर्शन होंगे। ये दीप 1926 से निरंतर जल रहा है, बसंत पंचमी के दिन से जो आज तक जल रहा है। यहाँ पे 16 तरह के संस्कार निःशुल्क किए जाते हैं। ये काउंटर है, इस काउंटर पे आके पर्ची आपको बनवाना होगा और पर्चे के हिसाब से आपको जो भी संस्कार है उसका ये समय है और समय के अनुसार वहाँ पे आपको पूरा नियम भी लिखा हुआ है। तो इस नियम के अनुसार से आपको 16 संस्कार आपके कराए जाते हैं। 16 संस्कार में शादी, मुंडन, नामकरण, गोद भराई, काफ़ी सारे संस्कार है। यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा का भी सुविधा है और साथ में जो चिकित्सा आप करवाएंगे उसका आपको दवाई ही लेना पड़ेगा, बाकी आपको किसी बारे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे भजन कीर्तन की भी आपको सुविधा मिलता है, आराम से आप भजन कीर्तन कर सकते हैं। यहाँ पे रूम का आपको ऑनलाइन नहीं होगा, आपको आना ही पड़ेगा, यहाँ पे आके आपको बुकिंग करानी होगी। देख रहे हैं यहाँ पे गाड़ी की सुविधा, इनकी काफ़ी सारे बड़ी बड़ी गाड़ी है, इनके पास एम्बुलेंस है, बसेस हैं, देख रहे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे। जय माँ गंगे, हर गंगे, नमामि गंगे। काफ़ी सारे लोग हैं, देख रहे हैं काफ़ी सारे लोगों को बस स्टैंड रेलवे स्टेशन से पिकअप ड्रॉप का भी सुविधा होता है, जो यहाँ के मेंबर होते हैं परमानेंट।